एटा रोड पर आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए सोमवार को इंस्पेक्टर ने ऑटो चालकों और ठेला संचालकों को दिए दिशा निर्देश। उन्होंने कहा कि पचोकरा की ओर से आने वाले ऑटो बस स्टैंड पर खड़े होंगे और ठेल नाले के किनारे लगेगी। ऐसा होने से जाम से निजात मिल सकेगी। इंस्पेक्टर बीडी पांडे दोपहर करीब 1 बजे एटा रोड पहुँचे। जैसे ही पुलिस ने लाठी उठाई, सड़क गिर कर खड़े ऑटो चालक और ठेल वाले इधर उधर भागने लगे। उन्होंने ऑटो चालकों को बुलाकर समझाया कि आड़े तिरछे ऑटो खड़े कर देने से जाम के हालात पैदा होते हैं। एटा रोड को जाम से निजात दिलाने के लिए ऑटो को बस स्टैंड में खड़ा किया जाएगा। सवारी वहीं से बैठकर गंतव्य के लिए रवाना होगी। रास्ते में सवारी के हाथ देने पर एक साथ ब्रेक न लगाएं। ऐसा करने से पीछे आ रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑटो को साइड में लेकर सवारी को बिठाएं। उन्होंने कहा कि ठेल नाले के किनारे लगेगी। सड़क किनारे खड़े होने वाले ठेलों का चालान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे खड़े करने वाले वाहन और सीमा से अधिक जगह घेरने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी दी। इस दौरान दुकानदारों में खलबली मची रही। नाम है आपका? हीरालाल जी, जो आज इंस्पेक्टर साहब ने जो सफाई अभियान जो चलाया है, उससे आपका क्या कहना है? वो बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। जो हमारे सामने काम रहता था वो आज काम में दिखाई दे रही है आज चौराहे पे। बस वगैरह जो निकलती है वो आराम से निकल रही है। बस वगैरह है सब आराम से निकल रही है। सवारी पैसेंजर भी वो भी आराम से चल रही है और रुक रही है, जा रही है सवारी। अक्षय जैन, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मेरे गजक मूंगली की रेडी लगती है। जो आज इंस्पेक्टर साहब द्वारा जो मास्टर प्लान चलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब ने जो कार्य किए वो काफ़ी सराहनीय कार्य हैं और यहाँ नगर यातायात अवरुद्ध हो जाता है, जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। और माननीय इंस्पेक्टर साहब द्वारा जो अभियान चलाया गया वो विशेषकर दुकानदारों द्वारा किया गया है। और ऑटो वाले बीच रोड पर खड़े होकर जाम लगाते हैं, वो भी उन्हें भी हिदायत दी गई है और एक अलग से सिस्टम बनाया गया है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनको नज़रअंदाज किया गया हो, उनके लिए भी एक जगह दी गई है जिससे वो एक जगह स्थायी जगह लगा सकें। सफाई अभियान चलाया है, वो बढ़िया चलाया है और यहाँ पर बहुत सफाई है। और जो यातायात यात्रियों को परेशानी थी वो भी सही है, क्योंकि आराम बस रुक रही है और जा रही है। वो बस में सवारी चल रही है आराम से और उतर रही है। जो यहाँ पे जाम लगा दिया जाता है और दुकानें वगैरह ऑटो वगैरह वो सब कोई नहीं, सब सफाई होगी। सब ऑटो वगैरह जो थे सब बाहर दूर हटा दिए, ठेले भी हटा दिए उन्होंने। काम आपके इतने सही हुआ है या बढ़िया हुआ है? सब यहाँ पे हमारे आगे बहुत जाम लगा रहता था, वो जाम खत्म है सब।